सामने बिल्कुल आपके सामने कब्रें पांच नज़र आ रही हैं। ये देखिए कितनी प्यारी छोटे से मासूम से बच्चे हैं, जिसमें ये एक घर के पांच अफराद कुछ दिन पहले इनके घर की जो है छत गिरी है, और छत की वजह से ये पांच ही अल्लाह ताला को प्यारे हो चुकी है। और देखिए माशाल्लाह ये इराक़ के अंदर इस तरह कब्र बनाई जाती है, कब्र जो होती है उसके ऊपर इनकी फ़ोटो भी बना कर लगाते हैं तख्ती पे, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर नेम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग फ़ोटो भी लगा सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को एक और दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। माशाल्लाह ये देखो एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की कब्र है, ये सामने आपको एक और पिक्चर नज़र आ रही है। तो इस तरह जितने भी मरहूम जहाँ से अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, जितने भी मरहूम हैं उनकी जो कब्रें हैं उनके ऊपर ये इस तरह का एक काम करते हैं, मतलब फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह लगाते हैं। ये है अलम पाक माशाल्लाह, जो इस टाइम पे आप देख रहे हैं कब्रों के ऊपर, जो भी यहाँ के अंदर यहाँ पे इराक़ के अंदर ज़्यादातर लोग अपने ही कब्रों के साथ अलम पाक भी लगाते हैं। और आगे भी आपको दिखा सकते हैं, ये आगे और कब्रें हैं, देखें मज़ीद आपको ये कब्र है, और इसी तरह ये है आगे सात कब्रें। ये फ़िलहाल पे इन फ़ोटो के ऊपर गिलाफ है, क्योंकि मैं इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि ये गिलाफ जो है इसके अंदर कुछ लेडीज़ भी हैं, तो अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक एक्सीडेंट वाक़े में तकरीबन दो मंथ पहले ये एक्सीडेंट एक वाक़ा हुआ था, जिसमें सिर्फ ये एक घर के सात अफराद अल्लाह ताला को प्यारे हुए, और ये इनकी कब्रें मुबारक।